ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज संदीपन हियर एंड वेलकम इनटू बाजार इनसाइट। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 14 फरवरी के लिए तीन इंटरडे स्टॉक्स को लेके। तो पहले बात तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देखिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं एवरी डे मार्केट ओपन होने से पहले ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट किस तरह से काम हो रहा है, क्या अपडेट्स है, सारे चीज़ें ऊपर पोस्ट करता हूँ। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो पोस्ट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके अंदर रहे ताकि मेरे साथ आपका कनेक्टिविटी बना रहे। तो ये टेलीग्राम चैनल एब्सोल्युटली फ्री है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में जाइए, बहुत कुछ लिंक मिलेगा वहां पर। टेलीग्राम चैनल करके है, उस पर जो लिंक उसके पास में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जाइए। अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर और पहला जो स्टॉक रहेगा कल के लिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा ITC के ऊपर, एक FMCG सेक्टर स्टॉक है। तो पहले बात तो ये है कि दोस्तों यहाँ पर मैं चार्ट खोल के डिटेल एनालिसिस करता हूँ, एवरी ट्रेड के पीछे जो लॉजिक होता है उसको यहाँ पर बताता हूँ, उसके बाद मेरा व्यू मेरा लेवल देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस लॉजिक को समझे और जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसको देखिए, ताकि आप अगर किसी की भी ट्रेड के ऊपर विदाउट एनी लॉजिक समझने के मतलब विदाउट एनी लॉजिक अगर आप काम करते हैं खाली कॉल टिप को देख के तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल उतना खास कुछ नहीं होता है, उसके वजह से आप गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो मैं यहाँ पर जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसको देखिए। ITC का यहाँ पर मैंने एक चैनल ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद डायरेक्टली ये नीचे आ गया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से देखिए चैनल के आसपास यहाँ पर और ये लेवल पर रेजिस्टेंस लिया। अब थोड़ा बहुत यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये अभी भी सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया बनाया था, इस एरिया ये जो टॉप बनाया था, इस टॉप को ऊपर इसको जाना है। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं 376 का, तो 376 बेसिकली ये एरिया 376 के ऊपर ये जाएगा और 10 मिनट उस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के ऊपर जाने से ही बाई नहीं करेंगे, एटलीस्ट 10 मिनट्स हम लोग वेट करेंगे ताकि उसके ऊपर वो सस्टेन हो जाए, 10 मिनट्स उसके ऊपर ट्रेड होने देंगे। अगर ऐसा होता है उस रेट के ऊपर तब हम लोग उसको वहाँ से बाई करेंगे। सेलिंग लेवल क्या रहेगा, सेलिंग लेवल भी मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले तीन स्क्रीनशॉट यहाँ पर आएगा। पहला जो स्क्रीनशॉट है ये मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट है इंट्राडे के लिए, ऑप्शन यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर यहाँ पर मैं 2 से 3 व्यू डेली बेसिस देता हूँ। बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर है, इंट्राडे के ऊपर हैंड होल्डिंग, लाइव मार्केट सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट सारे चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है जुड़ सकते हैं, 699 पर मंथ का छोटा सा फीस है। और एक स्क्रीनशॉट देखिए, मेरा इक्विटी स्टॉक्स इंट्राडे प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट, यहां पर आज भी हम लोगों ने प्रॉफिट की, यहां पर 1 से 2 इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में मैं व्यू देता हूं। हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट यहां पर भी मिलता है और बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर भी है, तो इसके अंदर छोटा सा फीस है, 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है। और एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये मेरा जो BTST STVT के ऊपर है, यानी कि आज बाय करेंगे कल सेल या फिर आज सेल करेंगे कल बाय, तो यहां पर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर ही व्यू देता हूं BTST STVT के ऊपर। तो इसके अंदर अगर आपको जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं, इसके अंदर भी हम लोगों का आज भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर छोटा सा फीस है 899 का। तो इंट्राडे ऑप्शंस के ऊपर 699, इक्विटी इंट्राडे स्टॉक्स के ऊपर वो 599 पर मंथ का, और STVT BTST के ऊपर 899 पर मंथ का छोटा सा फीस है। जो भी आपको सही लगता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर और जो इसका सेलिंग लेवल है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ये डॉटेड लाइन के ऊपर भी यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो इसके नीचे अगर ये आएगा, यहाँ पर मैं लाइन लगा दिया 371 के नीचे अगर ये आएगा, 10 मिनट ITC 371 के नीचे ट्रेड करेगा, और अगर ऐसा होता है तब हम लोग वहां से इसको शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पर दे दिया हूं, आपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। सेकंड व्यू में हम लोग चलेंगे, सेकंड जो व्यू रहेगा उसको देख लेते हैं। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा JSW स्टील के ऊपर। तो ये रहा JSW स्टील का चार्ट, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने चैनल ड्रॉ किया है जिसके अंदर यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां पर काम कर रहा है। तो ये जो लाइन है यहां पर अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते तो आपको आसानी होगा समझने में, बेसिकली इस एरिया के ऊपर
727 ये एरिया के ऊपर 727 के ऊपर जाएगा और 10 मिनट 721 के ऊपर ट्रेड करेगा। आंखों से देखने के बाद बी एफ जेड स्टील को हम लोग बाई करेंगे। सेलिंग लेवल क्या रहेगा, वैसे तो ये आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लिया था, लेकिन उसके बाद ब्रेकडाउन हो गया था और चैनल के ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से ये डॉटेड लाइन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग इस जो ये कैंडल है हाई वॉल्यूम कैंडल के नीचे हम लोग लगाएंगे उसके नीचे सेलिंग लेवल, तो वो 715 का रहेगा। 715 का नीचे 10 मिनट ट्रेड करेगा, आंखों से देखेंगे, ऐसा अगर होता है तब JSW स्टील को हम लोग वहां से शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल दे दिया, बात क्लियर कर देता हूं, यहां पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन शेयर नहीं किया जाते। मैं चार्ट खोल के डिटेल एनालिसिस करने के बाद मेरा व्यू मेरा लेवल शेयर करता हूं। सो दिस वीडियो प्योरली फॉर एजुकेशन एंड स्टडी पर्पस। फाइनल व्यू में जाने से पहले दो चीज़ें यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। पहला जो है मेरा कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा चाहूँगा, ये मेरा इंट्राडे मास्टर ट्रेडर जो कोर्स है। यहाँ पर अगर आपको सीखना है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो एक प्योरली प्रैक्टिकल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आपको थियोरिटिकल सीखना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करें, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करें, क्यों लॉस होता है, कौन सा रूल है, गोल्डन रूल फॉलो करने से हम लोग का लॉसेस नहीं होगा और प्रॉफिट का मात्रा ज़्यादा होगा, तो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस टू एवरीथिंग यहाँ पर एक सेटअप मैंने सिखा है, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो इसका रिकॉर्डेड ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब पूरा लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको ये सीरीज मिलेगा, ताकि आप लोगों का जो भी टाइम होगा आपका सूटेबल टाइम के हिसाब से आप उसको देख पाए और जब भी आपको मन करे जितना बार खुशी आप उस प्रोग्राम को देख पाएंगे। उसके बाद कोई भी डाउट रहेगा अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलेगा, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा सीखने को मिलेगा। एनरोल करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा या फिर कॉमेंट सेक्शन में पिंड कॉमेंट में आप जाइए, पिंड कॉमेंट में जाके वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा पिंड कॉमेंट के अंदर, उस पर क्लिक करके आप इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। और या फिर अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप मेरा एप्लीकेशन से करना है, मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन संदीपन चक्रवर्ती एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उस पर जाके वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं और वहाँ से भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो और एक बात दोस्तों, यहाँ पर डेली बेसिस हेल्पिंग पर्पस मैं यहाँ पर डेली बेसिस वीडियो देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के यहाँ पर मतलब मुझे भी पूरा सपोर्ट करे। 100 इस वीडियो का लाइक टारगेट है, लाइक अचीव कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट छोड़ के जाइए, कैसा लगता है इस प्रोग्राम को, कुछ भी सजेशन सुझाव हो दीजिए, कोई भी मतलब कुछ भी पूछना है पूछिए, जो भी है आप कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे, फाइनल जो व्यू रहेगा उसको देख लेंगे और वो रहेगा एक BPCL ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टॉक। ये यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया के बाद ही ऊपर चला गया था, यहाँ पर तीन बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो ये एरिया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है। तो इसके ऊपर अगर ये जाएगा, ये एरिया के ऊपर वो जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ इस एरिया के ऊपर 338 ये एरिया के ऊपर 338 के ऊपर जाएगा और 10 मिनट उसके ऊपर ट्रेड करेगा, आंखों से देखने के बाद उसको वहाँ से बाय करेंगे। और सेलिंग लेवल क्या रहेगा, यहाँ पर इसने मतलब ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर ये बार बार इस एरिया के ऊपर सपोर्ट लिया है, तो उसके नीचे अगर वो जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तब हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। 332 के नीचे आएगा, 10 मिनट उसके नीचे ट्रेड करेगा, आंखों से देखने के बाद उसको शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पर दे दिया, अपने अपने रिस्क कैपिटल को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एंड स्क्रीन में जाइए देखिए मेरा जो गोल्डन ब्रेकआउट प्रीवियस इसका वीडियो तो मैंने जोड़ ही दिया है, और मेरा जो गोल्डन ब्रेकआउट प्रोग्राम है क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, बहुत कुछ बेनिफिट्स मिलेगा उसके अंदर, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, कैसे जोड़ना है, सारी चीज़ें आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वो एक वीडियो है उसके अंदर मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।